से बहस करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक पागल आदमी बहस कर सकता है क्या? जरा बोलिए ना, आप भी इंसान है, बोलिए। नहीं नहीं कर सकता। वो बहस करता है और बहस करने के बाद गोली मारता है, यानी सोच विचार के साथ उसने गोली मारी, फिर वो बंदूक लेके निकलता है और चार कैबिन, आप तो रेलवे से गए होंगे, एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, ऐसा कंपार्टमेंट होता है, चार कंपार्टमेंट, छह कंपार्टमेंट में जाके उन्होंने तीन लोगों को मारा। वो तीन ही लोग दाढ़ी बनाए हुए थे, उसने शक्ल देख के लोगों को गोली मारी। ये कोई पागल आदमी कर सकता है? ये कोई पागल आदमी कर सकता है? और पुलिस तुरंत आधे घंटे में बोल रही थी कि वो पागल है। भाई वो पागल था तो तुमने उसको काम पे क्यों रखा? वो पागल था तो उसके हाथ में मशीन गन क्यों दी? और पागल आदमी चुन चुन के लोगों को नहीं मारता है। पागल आदमी मारता है तो एक बार ऐसा घुमा देता है, गोली की बौछार होती है, लोग मर जाते। पर यहाँ पे उसने चुन चुन के लोगों को मारा, तो पागल हो सकता है? देश की राजनीति इतना स्तर पर पहुंची है कि आप जान लीजिए। देश में हर तरीके से ये देखा जा रहा है कि हिंदू मुसलमानों को अलग अलग किया जाए। पर गंगा जमनी की तहसीब तहजीब जो हमारे बीच में मौजूद है वो हमको अलग नहीं होने देगी। हमारा संविधान हमें अलग नहीं होने देगा। अब बेचने के लिए दुकान में कुछ सामान नहीं है, तो ये बेचने को निकाला है जो है द्वेष। मुझे खुशी है कि कल राहुल गांधी को न्याय मिला और एक आवाज अब लोकसभा पहुंची। ये सभी को ऐसा खत्म करना चाहते हैं। आपको मालूम है मेरे ऊपर भी कितने केसेस लगाए जा रहे हैं, उससे कोई डरता नहीं। हम कांग्रेसी विचारों के लोग कभी जेल की सजाओं के पीछे जाने से डरते नहीं। हमारे बाप दादाओं ने 12 12 14 14 साल जेल में निकाले। पंडित जवाहरलाल नेहरू 11.5 साल जेल में बैठे थे। गांधी जी 7 साल जेल में बैठे थे। भगत सिंह ने तो उनको तो फांसी दी गई, डरते नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमको कहीं ना कहीं मजबूत भूमिका लेनी पड़ेगी, जो कर्नाटक में मुसलमानों ने, कर्नाटक में जो जीत हासिल हुई उसमें कहीं ना कहीं अकलियतों का बड़ा। पर वहां का हिंदू भी कह रहा था कि देश का बंटवारा मत करो। लगातार वहां पे नारे लगाए जा रहे थे बजरंग बली की जय, लेकिन जिस जगह पे उन्होंने बजरंग बली की जय का नारा लगाया उसी जगह के हिंदुओं ने उनको हरा दिया। लोगों को ये जो हो रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं है, पगार कम हो रहे हैं, दिन भर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस कितना 1150-1200 कितना है, 1150 टमाटर का क्या भाव है, 200 रुपये किलो, तो खाली टमाटर सामने रख के और दाल खाने की, यानी टमाटर की खुशबू दाल में आ गई, क्या 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 अदरक, अदरक कितना हो गया 200 रुपया, अरे बाप, अभी मटन कितना हुआ है, मटन 700 रुपया, इलाही भाई कितना है 700 रुपया, टोरेंट जब लाया था तब देवेंद्र फडणवीस सत्ता में था, अब एकनाथ शिंदे सत्ते में है। मैं आज उनसे गुजारिश करता हूं
हम लोग हमेशा कहते हैं कि गणतंत्र में लोगों को जो पसंद है वो होना चाहिए। अगर टोरेंट हमारे मुमरा के लोगों को पसंद नहीं तो तुरंत एकनाथ शिंदे ने उसको कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि जब लाया था तभी भी बीजेपी शिवसेना की सरकार थी और आज भी बीजेपी शिवसेना की ही सरकार है। अन्याय अत्याचार होने नहीं देंगे। टोरेंट में कोई अन्याय अत्याचार हो रहा होगा तो ये है इनको बताइए क्या हो रहा है, अपन टोरेंट को ताला ही लगाइए। हम ना किसी को डरे हैं ना डरेंगे। पुलिस क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन सलाखों के पीछे रख दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और खास करके ये लड़ाई हमारे संविधान और धर्मनिरपेक्ष भारत उसके लिए लड़ती है। हमारा संविधान जीवंत रहेगा, जिंदा रहेगा, तो आप और मैं जिंदा रहेंगे। वरना जिस दिन संविधान टूट गया, मान लो कि आपका सब खत्मा हो जाएगा। आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी औरतों को बेनकाब किया जा रहा है, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। हरियाणा में क्या हो रहा है, नूह में क्या हो रहा है, हर जगह पे सिर्फ अकलियतों को घेरा जा रहा है, क्योंकि आने वाले लोकसभा में हालात कुछ बिगड़ते हुए सत्ताधारियों को नजर आ रहे हैं, तो फिर उनका आखिरी हथियार क्या है, तो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई। पर मुझे लगता है कि मुसलमान भी बहुत होशियार हो गए और हिंदू भी बहुत होशियार हो गए, आपस में लड़ने को वो तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि सियासत और राजनीति के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे हाथ में तलवार देके बड़े नेता, तो तुमने सुना है कभी बड़े नेता का कोई बच्चा मरा हुआ, वो तो अपने बंगले में रहते हैं, कि झोपड़ी में रहने वाले अपने इधर अंगार लगा लेते हैं और निकलते, चलो निकलो। आने वाले दिनों में कभी भी ये सोचना मत, शांति और उम्मन उम्मत की ताकत और शान है। आज हमारे सब रस्ते बन गए हैं, पानी की किल्लत बहुत ज्यादा कम हो गई है, लाइट है, लेकिन टोरेंट को सही करना पड़ेगा, हमारे बिल में उसको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं हमारे असेंबली चालू थी, छूट गया हूं, कल से मैं टोरेंट का मामला दबा के ले लूं। और हॉस्पिटल आ गया है, लाइब्रेरी आ गई है, शादी खाना आने वाले 1 साल में बन जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं हमने ला के रख दी है। बाद में मैं YouTube पे सुनते रहता हूं मेरे बारे में क्या क्या बोला जाता है, मुझे बहुत हंसी भी आती है। गुमराह वाले पागल है क्या, उनको नहीं मालूम क्या रास्ते किसने बनाए हैं, किसने बनाए रास्ते, किसने बनाए, जरा जोर से बोलो। अगर आवाम को मालूम है तो जरा उनके कान में जाके बोलो एक दिन, अरे भाई क्यों उसने ही बनाया सर, क्या क्या क्या, जरा बोलो जोर से। पब्लिक को मालूम है, अच्छा ठीक है, तो जिसको आपको सही समझो उसको वोट दीजिए। ठीक है ना, मेरे को मालूम नहीं गणतंत्र है कौन किसके दिल में क्या है मालूम नहीं, जिसको चाहे आप वोट दे सकते हैं। अरे यहाँ से तो खाली, चलो नए नए लोग आए हैं घूम रहे हैं गलियों में, चलो अच्छी बात है, कम से कम उम्रा की याद तो आई लोगों को घूमने, तो आपके दिल में क्या है वो आप कर रहे हैं, मैं आपका दिल नहीं जानता,
लेकिन आपके दिल में जो होगा वो होगा, अगर अल्लाह को मंजूर होगा कि जितेंद्र अवार्ड ने काम किया है तो कामयाब हो जाऊंगा, देने वाला इज्जत वो है, लेने वाला इज्जत वो है। अपनी को तो ये फिक्र, जो जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आई मैंने उसको निभाया। कभी ये नहीं हुआ कि मुमरा वालों ने फोन किया और मेरा फोन बंद था। नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि जब 400 धर्मांतरण की बात इधर हुई किसी ने इसके बारे में बात की। जो जयपुर के ट्रेन का हादसा हुआ किसी ने बात की। हर बात करता कौन है, और मुझे फख्र है कि किसी की हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं मेरे जिंदा रहने को भी, दूसरे का हक जान से बड़ा नहीं, जान जाए लेकिन उसका हक नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से जयपुर ट्रेन में किया गया ये हादसा इशारा है कि इस देश में अब ट्रेन से चलने के लिए भी मुसलमान डरने लगेंगे। और अगर ये माहौल सुधरा नहीं गया तो ये देश टूटने के कगार पे है। जो मणिपुर में हुआ उसके बाद मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तुम सुधर जाओ वरना हमको ये देश छोड़ना पड़ेगा। हमारे बापजादाओं ने ये देश एक रखा और एक लिखने के लिए हमारे हाथ में दिया। अगर हम इस देश को एक नहीं रख सके तो उन्होंने अपनी जाने क्यों गंवाई। हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे हैं म्युनिसिपैलिटी के, आने वाले दिनों में म्युनिसिपैलिटी के सभी टॉयलेट्स को रिपेयर किया जाएगा, सभी बिल्डिंगों को कलर किया जाएगा। जितना भी काम स्कूल में है सब स्कूल का काम कल परसों से शुरू हो जाएगा। एक नई स्कूल आपके हाथ में दी जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता है रास्ते कहीं पे बाकी है, कहीं बाकी है रास्ते नहीं, 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 नहीं। बाकी सब सुविधाएं तो है आपके पास, कुछ नहीं रहेगी तो इन लोग है करने के लिए और मैं बैठा ही। आपकी दुआओं में हमेशा याद रखना, अब आपकी दुआओं की ताकत ही मुझे आगे बढ़ाएगी। मैं इतना ही कहूँगा, दुआओं में नाम के साथ याद रखना। खुदा हाफिज। वो हमारे बीच मौजूद है, उनको घर बनाने के लिए आपके जन्मदिन के मौके पर 25,000 रुपए का उनको कैश दिया जा रहा है। आइए कादरी साहब। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिनों के पहले 15 चार नगर के हलके के अंदर एक टोरेंट का एक हादसा हुआ था, एक बच्चे का, जो बच्चा तकरीबन 11 साल का था, वो बच्चा हमारे बीच से रुखसत हो गया। अल्लाह ताला को प्यारा था बच्चा, उसमें उसका हादसा हुआ टोरेंट के हादसे के अंदर। उसके वालिद साहब फिरोज सलाहुद्दीन साहब यहाँ मौजूद है, आपने बहुत मेहनत किया था, आपने बात करके उनके परिवार को 6,00,000 रुपए का मुआवजा दिलाया था, आपने दिया था, दिलाया था आपने, उनका घर हो जाएगा, आपने खुद दिया था 6,00,000 का मुआवजा। लेकिन उनका उनसे हमारा और एक कमिटमेंट था कि उनको एक उनका काम है हॉकर्स का काम है, वो सब्जी वगैरह का धंधा करते हैं, तो उनकी एक चाहत थी कि मेरे कारोबार के लिए कुछ पैसे दिया जाए, कुछ चेक दिया जाए। तो आज आपके जन्मदिन के मौके पर उनको एक 15,000 रुपए कैश दिया जा रहा है। फिरोज भाई को एक 15,000 रुपए कैश, ये वालिद साहब बच्चे के, जो बच्चे का हादसा हुआ था, आप उस वक्त बाहर थे, आप नहीं आ पाए थे, लेकिन उन तक वो अमानत पहुंच गई थी। रोइए बताओ, पूनम आनंद पाबले, ये कलवा से आई साहब, इनके बच्चों को स्कूल के लिए फीस दिया जा रहा है। यहाँ 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 आइए, पाइए, इनके बच्चे के स्कूल के लिए फीस दिया जा रहा है, वो आप चेक दे दीजिए। नेक्स्ट दोनों भाई, तकरीबन 200 बच्चों को उनके स्कूल के लिए एक 2,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 चेक आपके हाथ में हम लोग दिलाए। एक बच्चे का नाम है अमान इमरान कुरैशी, अमान इमरान कुरैशी,
राजशेखर इंग्लिश हाई स्कूल चौथा गणेश मुंडे, नेक्स्ट गणेश मुंडे पर 10 बच्चे आ जाए, खाली 10 बच्चे आ जाए, खेल भाई 10 आपको दिया गया ये एक मिनट ये स्पॉट आप लोग उनके साथ आए हुए हैं।